हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक्सोर। अगर आपकी वी फ्लाई एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, किसी वजह से उसने वर्क करना बंद कर दिया है, तो उसकी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको बैक करना है और आपको चले जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है एप्लीकेशन मैनेजर। तो मेरा एप्लीकेशन मैनेजर मुझे मिलता है मोर सेटिंग में, तो मैं यहाँ पर मोर सेटिंग में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर ऐप मैनेजर में चले जाऊँगा, ठीक है। अब ऐप मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर मुझे मेरी एप्लीकेशन को ढूँढना है, तो यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन को ढूँढ लेता हूँ। तो ये रही मेरी वी फ्लाई की एप्लीकेशन। तो यहाँ से इसे मुझे करना है ओपन। अब ओपन करने के बाद सबसे पहला काम करना है यहाँ से इसे कर देना है फोर स्टॉप। अब उसके बाद यहाँ पर मुझे दिखेगा स्टोरेज, स्टोरेज पर करना है क्लिक। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे कैचे दिखता है, तो यहाँ से कैचे क्लियर कर लेता हूँ। अब कैचे क्लियर करने के बाद यहाँ से ऊपर आपको क्लियर डेटा दिखता है, तो क्लियर डेटा पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको परमिशन पे क्लिक करना है। परमिशन यहाँ पर आपको सब दे देनी है। अब इसके बाद आप अपनी वी फ्लाई एप्लीकेशन को ओपन करके देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।